गाइस सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि अभी आपने देखा ही कि हम लोग गांव पे आए हुए हैं यहाँ पे जागरण के लिए। सो अभी हमारी सारी प्रिपरेशन चल रही है, वहाँ पे खाना बना रही है सारी लेडीज़ पार्टी एंड सारी जेंट्स पार्टी ना गाइस, ये क्योंकि यहाँ पे ना लाइट का भी कोई संसाधन नहीं है तो हमें ना दूर से लाइन से खींच के यहाँ पे लाइट लानी पड़ रही है, तो उस लाइट को लगाने पड़ा। ये देखो ये तार लगा दी है और ये है ताऊ जी जो इस मंदिर के पुजारी हैं, ये इस पूजा में लगे हैं। माँ की धुनी जल गई है और अब ये रात भर जलेगी धुनी। माँ की अभी काफ़ी लोग हैं जो अभी आए नहीं है, उनका भी वेट चल रहा है, देखते हैं कौन कब पहुँचता है। काफ़ी लोग डांट भी खाने वाले हैं बुआ के मुंह से, क्योंकि 11 बजे कहा था और अभी तक आए नहीं है, तो बुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। थोड़ा हमारा ना जितना हमारा हाथ का काम था उतना हमने कर लिया, मतलब सब्जी वब्जी काटना कूटना, आलू उबालने आलू उबालने। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए। हम तो सबसे स्टार्टिंग में आए थे, आपने सबसे पहले देखा ही था। तो हाँ ये पत्ते तोड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि ना उससे हाथ जल जा रहा है, और यहाँ पे कपड़ा कुछ है नहीं पकड़ने को, गर्म बर्तन, तो ये पत्तों से पकड़ रहे हैं। जैसे दम्बू वम्बू भी आ गए हैं और यहाँ पे है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, आंवले का पेड़। अगर आपको आंवले खाने हैं ना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हो इस बार तो आंवले हुए ही नहीं है, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा आंवले थे इस पेड़ पे। ये देखो एक ही आंवला है, एक रहा है आंवले, ये देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तोड़ के लाती है अभी आंवला तोड़ने के लिए। देखो मैं कितने आंवले लेके आती हूँ, मुझे एक भी आंवला क्यों दिखा। ये देखो एक ये रहा, और कहाँ पे और तो नहीं है, दम्बू भी आ गई है गाइस, इससे ज़्यादा हमारे आंवले के पेड़ में आंवले नहीं है। ये भी है, चढ़ तो मैं जाती हूँ ना, मेरा उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अब मैं उतरूँ कैसे। ये भी सड़े हैं जब ये ताई जी सब्जी बनाने लग गई है। ये छोटी चाय भी ले अपना गाइस, क्योंकि थोड़े बूढ़े बुजुर्ग है तो उनके लिए रोटियां बन रही हैं, तो रोटियां थोड़ी जल्दी बनने लग गई हैं क्योंकि रोटियों में टाइम लगता है ना। बहुत देर है, कढ़ाई छोटी हो गई है वो। देखो कितनी सारी रोटियां बन गई गाइस यहाँ, ये रोटियों का पहाड़ देखो। अब हमें पूरी बेलने का ये काम सौंपा गया, अब हम बेलेंगे पूरी। खाना आ चुका है, चार पांच पूरी। फिर सही तो कर दिया ना मैंने बताया, फिर सही तूने। चढ़ैया में मैया का मंदिर, चढ़ैया में को पहाड़िया में, पहाड़िया में को चढ़ैया होता, चढ़ैया थोड़ी मुझके।
हलवा पकाया कढ़ैया में को कैया में सुरैया माँ का मंदिर मैया का भवन पहाड़िया माँ का मंदिर पहाड़िया में बड़ा मजा आया चढ़ैया में। स्वेटर तुम बुनो बुनैया मेरे को स्वेटर बुनो बुनैया उसको जहाँ ठौर मिला। ये भाभी बेचारी ऐसी डोली रह गई है, कितनी नींद आ रही है बेचारी को, कहाँ सो समझ नहीं आ पा रहा है। इधर को लेटो ना, ये नोड़ा तत्ता में सिर पड़े, कोई बात नहीं, फुटा मगर ड्रॉप दी दे। बुआ आप भी कितने वो, आप ही के बगल में छुपी थी आपने फिर भी नहीं देखा। अरे रजाई डाली थी पागल, ऊपर दिखी गाली थी मैं बुआ को दे दी। झूमटे गाने लग गए हैं। हाय ते जोड़ी जोड़ी कांची आयु दे बुतेरा थाना दे पुता पहला से ज्ञान तेरी साना माना दे बुता कहला से ज्ञान तेरी साना माना लिंग छाना छाना कांची आयु दे बुतेरा थाना चाहता की चप्पल गुम हो गई है और ये दोनों बाप बेटी चप्पल ढूंढ रहे हैं पिछले एक घंटे से पागलों की तरह, कभी यहाँ घूम रहे हैं कभी उस तरफ जाके चप्पल ढूंढ रहे हैं। मिली क्या, कैसी थी चप्पल बता दोस्त, गाइस तुम्हें ढूंढ के बताएंगे चप्पल कैसी थी चप्पल तेरे पापा की बता। गाइस चप्पल गुम हो गई है, यहाँ बहुत बड़ा संकट आ गया है, चप्पल चोरी हो गई गाइस चार लोगों में। कैसी दिखती थी चप्पल, ये नीचे खेत में पहुंच गए चप्पल ढूंढती ढूंढती, मिली क्या बहुत बड़ी परेशानी हुई है गाइस, FIR करनी पड़ेगी अब। निक्की पुलिस को फोन करूँ क्या, चप्पल को
सीआईडी को फोन करूँ क्या? कर। चप्पल नहीं मिल रही दरोगा ताऊ जी को उठाओ, चप्पल को हो गई है। खराटे मार रहे नील नहाने, नील तो एक चप्पल है नहन। आप जो नीचे गए हो ना, आप जो नीचे गए उनसे वापस आओ, बोला अपनी चप्पल दिखाओ। अब कुछ हो गया है, अब होली की किताब आ गई है। आधे कन्हैया बंसी शब्द गाओ, भजन बंसी शब्द सुना दे कन्हैया का पूरा में सो गई है फिर से। जनकपुर में राम भाई लक्ष्मण, जनकपुर में सीता भाई लक्ष्मण, जनकपुर में सीता भाई लक्ष्मण। सो गाइस ये झुमका है, इसमें कि एक बार हमें गाना होता है और एक बार ये सारे लोग रिपीट करेंगे। इसमें से गा रहे हैं जनकपुर में रामी चंद्र आया, जनकपुर में रामी चंद्र आया, जनकपुर में रामी चंद्र आया, जनकपुर में हो गया है। चाचा चप्पल मिली कि नहीं? चप्पल गुम हो गया शायद उनकी। कौन रह गया यहाँ पे? है टीम हो गया और यहीं पे टी बनेगी। देखो यहाँ पे केतली रखी है वो पीछे। रात के 1:30 और दूसरी चाय आ गई है, तीसरी चौथी चाय आ गई है गाइस। और अब बज रहा रात का 1:30, गाते गाते मेरा गला देखो कैसा हो गया है। और हम गाने वाले केवल हम ही लोग हैं बस, और बाकी सब तो ये। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चाय पी रही है, चाय पिएगी, पियोगी, फिर किस आए हैं अभी? डरा रही है, मेरे को भी दे दे रहे गाइस। गला बहुत खराब हो गया है तो ये चाय पी लेनी चाहिए। अब काली चाय मिल रही है, ज्यादा दूध वाली चाय नहीं पी रहे हैं ये लोग। बाकी सब उसके अंदर सोए हैं, छोटी गुड़ खा आधे लोग तो। हाँ मेरी गोदी में रखते हैं। एक गिलास और नहीं है इस। अब होने लग गया गद्दी लगने की तैयारी, क्योंकि रात का बज गया, 3:30 हो गया। इन सबकी आंखे देखो तो, इन सबके मुंह देखो, नींद में ये भाभी को भी कितनी नींद आ रही है। एक ये और मेरे को दिखाई दो, एक ये और एक गाइस में तीन घंटे सो के उठ गई है। दिन में सोई थी 3 घंटे, अभी सोई थी 3 घंटे, 6 घंटे की इसकी तो आज की नींद हो गई है। देखो ये सारे तैयार होने लग गए हैं। अब जो उठे हुए लोग हैं ना, सबको उठाया जा रहा है, जो सोए हुए लोग हैं, जो सॉरी जो सोए हुए लोग हैं ना, उन्हें उठाया जा रही है गाइस। नींद से सब भाई उठाई है ना हमें। देखो ये देखो लाइन बना दे रहे एक, यहाँ पे गंगा जंगल वंगा जल छिड़क के अब इसका शुद्धिकरण कर देंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे चाय बन रही थी ना, तो अब यहाँ पे सब साफ सफाई कर रहे हैं दोबारा से। ये सब उठ के एक एक करके आ रहे हैं अंदर से। ये देखो एक एक करके उठ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं ये लोग, ये सोए हुए जब से आया तब से सोए हैं ये लोग। तो गाइस अब फाग गाने लग गए ये लोग, कुछ भी शुभ मुहूर्त से पहले जो फाग गाए जाते हैं ना, मांगल गीत हुआ, मांगल गीत। भूमि जे देवता कोला सबत हमारी सबत। और गाइस वहां पे गद्दी लगा रहे हैं, अब बाकी वीडियो तो मैं शूट नहीं करूंगी। सो गाइस सब लोग आ गए, उठ के देखो ये दोनों गाइस। अब बज गए 3:15 और हमारी पूजा समाप्त हो गई है, और चाचा की चप्पल अभी तक नहीं मिली है। 12 बजे से ढूंढ रहे गाइस, नॉन स्टॉप 12 बजे से ढूंढ रहे हैं। और अब बज गए 4:45 तो 3:15, तो अभी तक नहीं मिला है।
पंकु तो कहता था धर्म मंदिर पंकु आ जा पता लाओ धर्म मंदिर अच्छा अभी सब उठे हैं फिर सब सो जाएंगे क्योंकि चप्पल मिल गई है देखो बहुत खुश हो गए हैं वो मिल गई चाचा की चप्पल देखा पूजा खत्म होने के बाद मिली इनकी चप्पल मिली घर जाना है गाइस अब बज गया रात का 3 मुझको तो बहुत भयंकर जुखाम हो गया तो मैंने हुडी पहन ली है और अब चल रहा है सारा हिसाब किताब कितने पैसे लगे थे पूजा में तो अब उसको जोड़ घटाना चल रहा है और अब मैं थोड़ी देर सोने का सोच रही हूँ कि 1 घंटा भी सो जाओ फिर हम शायद 4 बजे यहाँ से उतरने लग जाएंगे नीचे को क्योंकि रात का करना होता है ना एक तो 4 बजे से तो उजाला होगा 4:45 हो गया और अब सब लोग अपने अपने बैग पैक करने लग गए जाने के लिए मम्मा सोई है। सो गाइस अब हम ये रात के अंधेरे में ही मंदिर से उतरने लग गए हैं हमसे पहले बहुत सारे लोग चले गए हैं और इतना ज़्यादा लोड कर रखा है ना हमको और अभी बज रहा है सुबह का 5 तो ऊपर से थोड़े थोड़े करके लोग उतरने लग गए और हमें नीचे रोड पे जाना है सो अब धीरे धीरे यो बाटो का जान्या होला सुरा सुरा हमरा घर है के ओह माय गॉड गाइस काफ़ी ज़्यादा टफ है ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ रहा है कोई भी कदम हमें खाई की ओर ले जा सकता है सो गाइस देखो कितना और हमारे आगे पीछे देखो कोई भी सयाना इंसान नहीं है इनने हम तीनों को भेज दिया है इस क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डर लग रही है देखो कोई हमारे साथ पता नहीं आ तो सब लोग रहे थे और अचानक से ही सब लोग पीछे से गायब का हो गए इसको देखो ये गायब का हो गए पता ही नहीं है तो फिर अब इस डरावने से माहौल में वो नीचे हमारा घर है एक मैं नारे लगाना चाहूंगी नारे नहीं सॉरी क्या कहते हैं इनको जो भी है 1 2 3 4 जोर से बोलो जोर से बोलो सारे बोलो आवाज नहीं आई उठकर बोलो सोए हुए हो नहीं सर कहो ना नहीं सर सोए हुए हो मुंह धुला लो नींद नहीं आई तू भी नहीं सोया तू तो सोया रुक जा इनकलाब इनकलाब आज क्या है आज क्या है 15 अगस्त 15 अगस्त खून मांगोगे खून नहीं देंगे झोला सराओगे नहीं मारेंगे भाव नहीं देंगे भाव नहीं देंगे तो गाइस इस रास्ते को देख के ना एक गाना याद आ रहा है वो देखो छुलावे में 3 लोगों के लाइट जल रही है टेड़ो मेड़ो बाटो छ खुट्टी रड़ी गए हम भी अपने घर को जाने लग गए हैं और बुआ ने काम दे दिया है कि ये जो खेत में हरी सब्जी हुई है इसको तोड़ के ला तो चलिए चलते हैं जो आ गई ये सब्जी तोड़ने के लिए ये सब्जी है चौलाई की तोड़ लेते हैं खेत से तो गाइस अब हम निकल गए हैं गांव से घर की ओर सो अब तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ ओके बाय